क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मैच बेहद शानदार अंदाज में खत्म हुआ। मैच की एक पारी के बाद राजस्थान का पलड़ा भारी था, तो बीच में दिल्ली ने जबरदस्त वापसी कर ली और एक बार तो दिल्ली कैपिटल्स की जीत पक्की भी हो गई थी। लेकिन फिर हुआ चमत्कार राजस्थान के लिए, क्रिस मॉरिस ने धमाल मचा दिया और 4 छक्के लगाकर मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दी। हालत ये थी कि हारे हुए मैच को मॉरिस ने जिता दिया और अपनी 16.25 करोड़ की कीमत को वाजिब भी ठहरा दिया। लेकिन इस शानदार खेल के बाद भी, शानदार और बड़ी जीत दिलाने के बाद भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन क्रिस मॉरिस से खुश नहीं है। जी हाँ, संजू सैमसन ने यहाँ तक कह दिया कि 16 करोड़ी का है तो है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या हो गया, मॉरिस से क्या हो गई इतनी बड़ी गलती, और फिर मॉरिस ने संजू को लेकर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए मैच में 147 रन बनाए और दिल्ली का स्कोर बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता था। लग रहा था कि राजस्थान की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, मगर यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने धमाल मचा दिया और शुरुआती विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। सिर्फ 42 रन पर राजस्थान की आधी टीम आउट हो चुकी थी। 5 बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और राजस्थान बेहद मुश्किल में थी। इसके बाद डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन एन मौके पर ये दोनों खिलाड़ी भी आउट हो गए। हालत ये थी कि राजस्थान को करीब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए थे और 7 विकेट आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर वही क्रिस मॉरिस थे जिन पर पिछले मैच में संजू सैमसन ने भरोसा नहीं जताया था और स्ट्राइक नहीं दी थी, मगर यहाँ पर क्रिस मॉरिस ने धमाल मचा दिया। मॉरिस ने आखिरी 2 ओवर में 4 छक्के मार दिए और आखिरी 12 बॉल में जब 27 रन की जरूरत थी तो मॉरिस ने सिर्फ 10 बॉल में ही टारगेट को पूरा कर लिया और राजस्थान को धमाकेदार जीत दिला दी। अब ये जीत राजस्थान के साथ साथ क्रिस मॉरिस के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में उन्हें कप्तान की तरफ से स्ट्राइक नहीं मिली थी और खासा बवाल भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर मॉरिस ने अपनी कीमत और अहमियत दोनों को साबित किया और राजस्थान ने मैच भी जीत लिया। लेकिन हैरानी इस बात की रही, इस जीत के बाद भी, क्रिस मॉरिस के इस शानदार और चमत्कारी खेल के बाद भी कप्तान संजू सैमसन खुश नहीं हुए और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें मॉरिस पर अब भी भरोसा नहीं है। असल में मैच में जीत के बाद संजू सैमसन का इंटरव्यू हुआ, जिसमें सैमसन ने कहा कि शानदार जीत थी और हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। यहाँ पर संजू ने पहले तो मॉरिस की तारीफ की और कहा कि वो बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन से पूछा गया कि आपने पिछले मैच में मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दी थी, तो अब आज का मैच देखने के बाद अपने उस फैसले पर आप क्या कहेंगे, तो संजू ने सभी को हैरान कर दिया। संजू सैमसन ने कहा कि मैं अगर 100 बार भी उस मैच को खेलूंगा तो भी क्रिस मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दूंगा, वहां पर सिंगल नहीं लूंगा। जी हाँ, संजू सैमसन ने यही बात कही। सैमसन ने आगे कहा, ये ठीक है कि मॉरिस अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर मैं क्रीज पर हूं तो फिर मुझे खुद पर भरोसा करना होता है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यानी संजू ने साफ साफ कहा कि मैच के हीरो और मैच जिताने वाले क्रिस मॉरिस पर उन्हें अब भी भरोसा नहीं है, भले ही उन्होंने मैच जिताया हो। अब ये सबको हैरान करने वाला बयान था। वहीं क्रिस मॉरिस से भी प्रेजेंटर ने यही सवाल पूछा कि आपको कैसा लगा जब आपको स्ट्राइक नहीं मिली, तो मॉरिस ने कहा कि वो हैरान जरूर हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कप्तान का समर्थन किया। क्रिस मॉरिस ने कहा कि उस दिन संजू शानदार शॉट्स मार रहे थे और एक कप्तान का फैसला था तो ठीक ही होगा। यानी क्रिस मॉरिस कप्तान के दबाव में, टीम के दबाव में संजू सैमसन की भले ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो हैरान जरूर हुए थे कि उन्हें स्ट्राइक क्यों नहीं मिली। और कहीं न कहीं क्रिस मॉरिस को इसका दुख भी था और इसीलिए तो ताबड़तोड़ खेल दिखाकर दूसरे मैच में अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी। लेकिन इस जीत और इस शानदार खेल के बाद भी संजू सैमसन का क्रिस मॉरिस पर भरोसा नहीं है, क्रिस मॉरिस से संजू सैमसन खुश नहीं है, जो कि हैरान करने वाला है। अब दिग्गज गौतम गंभीर तक ने कह दिया कि क्रिस मॉरिस को पिछले मैच में स्ट्राइक नहीं देना संजू का गलत फैसला था और मॉरिस ने दूसरे मैच में इस फैसले को गलत साबित कर भी दिया। अब जो भी हो, क्रिस मॉरिस पर अब भी कप्तान का भरोसा नहीं है, चाहे वो 16 करोड़ी हो, मैच को जिताने वाले हो, बड़े छक्के मारने वाले हो, लेकिन संजू उन पर भरोसा नहीं करते, ऐसा ही कुछ कप्तान जो कि संजू सैमसन है राजस्थान के, उन्होंने कहा।
तो आपका इसे लेकर क्या कहना है? क्या संजू मॉरिस के साथ गलत बर्ताव नहीं कर रहे? स्ट्राइक नहीं देना तो ठीक था, लेकिन अब बार बार क्रिस मॉरिस पर सवाल उठाना और बार बार ये कहना कि वो स्ट्राइक उन्हें नहीं देते, कितना सही है कितना गलत, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। बॉलिंग के लिए आए पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह और राजस्थान को जीत के लिए 6 बॉल में 13 रन की जरूरत थी और टारगेट बहुत बड़ा यहां पर भी नहीं था। पहली बॉल पर अर्शदीप के सामने सैमसन थे और बॉल डॉट हो गई। दूसरी बॉल पर भी सैमसन सिर्फ एक ही रन बना पाए। अब तो राजस्थान की टीम पर दबाव आ गया था क्योंकि कम से कम एक बड़ा शॉट अब यहां पर जरूरी हो गया था। लेकिन ओवर की तीसरी बॉल पर क्रिस मॉरिस अर्शदीप के सामने थे और मॉरिस भी यहां पर सिर्फ एक ही रन बना पाए। यहां पर अर्शदीप बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, रन ही नहीं दे रहे थे और 3 बॉल में सिर्फ 2 ही रन बने थे। अब जीत के लिए 3 बॉल में 11 रन की जरूरत थी, अब टारगेट मुश्किल हो गया था। ओवर की चौथी बॉल पर संजू सैमसन ने यहां पर लंबा छक्का मार दिया। जी हां, सैमसन ने बहुत लंबा छक्का मारा और एक बार फिर से राजस्थान को मैच में वापस ला दिया। अब 2 बॉल पर 5 रन की जरूरत थी, अब मैच कहीं भी जा सकता था। राजस्थान भी मैच जीत सकती थी, पंजाब भी जीत सकती थी और सुपर ओवर भी हो सकता था। लेकिन ओवर की 5वीं बॉल पर जबरदस्त ड्रामा हो गया। जी हां, अर्शदीप ने बॉल डाली, सैमसन ने अच्छा शॉट भी मारा, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ काफी दूर तक बॉल भी गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े क्रिस मॉरिस दौड़कर दूसरे छोर तक भी पहुंच गए, लेकिन सैमसन ने रन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हां, राजस्थान के शतकवीर कप्तान संजू सैमसन ने रन लेने से इनकार कर दिया और मॉरिस क्रीज तक पहुंचने के बाद दूसरे छोर पर वापस दौड़ते हुए गए। अब इस दौरान क्रिस मॉरिस खासे नाराज भी दिखे क्योंकि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 रन भी हो सकते थे, मगर संजू सैमसन ने रन लेने से ही इनकार कर दिया, रन के लिए भागे नहीं और आखिरी बॉल पर छक्का मारने का पूरा पूरा मन बना लिया क्योंकि अब आखिरी बॉल में 5 रन की जरूरत थी और छक्के से ही जीत हो सकती थी, जबकि चौका लगने पर सुपर ओवर ही होता। यानी कि अब मैच का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट आ गया था। संजू सैमसन स्ट्राइक पर थे, बॉलिंग अर्शदीप सिंह कर रहे थे और राजस्थान को जीत के लिए 1 बॉल पर 5 रन की जरूरत थी। आखिरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक बार फिर से लंबा शॉट मार दिया। एक बार फिर से यहां पर धड़कने बढ़ गई थी, लगा कि ये भी छक्का हो गई और राजस्थान की टीम मैच जीत गई क्योंकि बॉल काफी ऊपर गई थी, मगर यहां पर संजू सैमसन बाउंड्री को पार नहीं कर पाए और दीपक हुडा ने सैमसन का एक कैच आसानी से बेहतरीन अंदाज में पकड़ लिया और पंजाब ने इस कैच के साथ साथ मैच भी अपने नाम कर लिया। संजू सैमसन ने शतक जरूर मारा मगर अपनी टीम राजस्थान को जिता नहीं पाए और 5वीं बॉल पर रन नहीं लेने का फैसला सैमसन के साथ ही राजस्थान की टीम पर भी भारी पड़ गया और कुछ लोग तो हार के लिए संजू सैमसन को ही विलन तक कहने लगे। हालांकि यहां तक भी सैमसन ने ही राजस्थान को पहुंचाया था, मगर यहां तक पहुंचाकर सैमसन अपनी टीम को जिता नहीं पाए और एक थ्रिलिंग मुकाबले में पंजाब की तूफानी जीत हो गई और आखिरी बॉल तक सांसें थमी रही कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी या फिर सुपर ओवर होगा। हालांकि हार के बाद भी संजू सैमसन को ही मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया क्योंकि सैमसन ने बेहतरीन पारी खेली थी। सैमसन भले ही आउट हो गए लेकिन आउट होने से पहले संजू सैमसन ने 119 रन बनाए जिसमें 7 बड़े छक्के भी शामिल थे और इसीलिए सैमसन को ही यहां पर मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब संजू का खेल शानदार तो था लेकिन उनकी टीम को ये खेल जीत नहीं दिला पाए। तो आपका इस थ्रिलिंग मैच और संजू के 5वीं बॉल पर रन नहीं लेने के फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।